दो साल की उम्र में लखनऊ की शबीना सैफी ने अपने पैर और अपनी आंखें गवा दी, लेकिन उन्होंने अपना हौसला नहीं गवाया। यही वजह है कि आज पूरे देश भर में शबीना सैफी भजन गायिका के रूप में जानी जाती हैं। हमारी जर्नी ऐसे हुई कि जब मैं 2 वर्ष की थी तो हमको फीवर आया था और हमारे पाँव पोलियोग्रस्त हो गए थे, हमारी आँखों की रोशनी भी चली गई थी। मम्मी पापा ने बहुत मेरा ट्रीटमेंट करवाया, जितना भी वो करवा सकते थे, लेकिन हम ठीक नहीं हुए। हमारे मम्मी पापा ने कभी हमको पैर आँखों की कमी महसूस नहीं होने दी और हमारे पापा मम्मी ने कभी हमारी किसी बात को नहीं टाला। तो हमने हम सारे बच्चे स्कूल जाते थे, जो मेरे कज़िन थे वो भी जाते थे, और हम एक ही रूम में एक ही बेड पर हर समय बैठे रहते थे। तो हम सोचते थे कि क्या हमारे में ऐसा कुछ भी नहीं कि कोई हमसे कनेक्ट हो। तो फिर हमें गाना सुनने का बचपन से ही बहुत शौक था, रेडियो सुनने का, और हम गाना जो सुनते थे उसे बहुत अच्छे से कॉपी कर लेते थे। तो कुछ लोगों ने कहा, अरे इसको गाना सिखा दो, तो हमारे मन में भी इच्छा जागी। मुझे ऐसा लगा कि मैं गा सकती हूँ। मैंने अपने पापा से कहा कि मुझे गाना सीखना है, तो मेरे पापा मुझे गाना सिखाने के लिए ले जाने लगे। यहाँ लखनऊ में जो राजेंद्र नगर है, यहाँ पे एक ब्रांच है प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद बोर्ड से कनेक्ट है वो, वहाँ मैंने गाना थोड़े साल तक सीखा है। उसके बाद फिर हम लखनऊ महोत्सव में गए, वहाँ हमने 2006 में पहली बार अपनी प्रस्तुति की गायन की। जब से हमने कई साल तक कई मंचों पर गाया, उसके बाद जो लखनऊ महोत्सव के जो आयोजक है युवा महोत्सव के, मयंक रंजन जी, उन्होंने हमें उस्ताद गुलशन जी के पास भेजा गाना सीखने के लिए। 2007 से लेके 2011 तक हमने उनसे गायन की शिक्षा ली और 2012 से हमने प्रोफेशनली स्टेज शो करना स्टार्ट कर दिए। मैं गाने लगी और मैंने आकाशवाणी में भी अपना ऑडिशन दिया, वहाँ पर मेरा सिलेक्शन हो गया था। मैंने कई सालों तक वहाँ गीत भजन और जो कॉन्सर्ट होते हैं उसमें भी गाया और मेरे गीत भजन प्रसारित भी हुए वहाँ से। बाहर हरदोई, कानपुर, औरैया और आगरा, 2 बार अयोध्या, वृंदावन, 2 बार आगरा, इतना सिटी में गाया है। मोस्टली मैं भजन सिंगर हूँ, भजन ही मोस्टली गाती हूँ। योगी जी से तो जब उनका पहली बार वो आए थे, जब पहली बार मुख्यमंत्री बने, उसी साल में उसी सप्ताह में मैं मिली थी उनसे, और मैंने उनको राम का दुपट्टा और गीता भी उपहार स्वरूप उनको भेंट की, उन्होंने स्वीकार की बड़े प्यार से। 2019 में नेशनल अवार्ड के लिए मुझे दिल्ली बुलाया गया था, तो मुझे रामनाथ कोविंद जी के साथ राष्ट्रपति भवन में चाय पीने का शुभ अवसर मिला। और मेरा एक सबसे बड़ा सपना ये है कि मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलना चाहती हूँ, और मैं उनका जो कार्यक्रम है मन की बात बहुत लगन से सुनती हूँ। जब से उन्होंने मन की बात स्टार्ट किया तब से मैं उन्हें पत्र भी लिखना चाहती हूँ, लेकिन मैं लिख नहीं पाती, लेकिन मेरे मन में उनसे मिलने की बहुत बहुत इच्छा है। लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत की रिपोर्ट, न्यूज 18।